आप तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे हो संपूर्ण भारत के, स्पेशली हो मध्य प्रदेश की, तो परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारा कोड यूज कर सकते हैं GURMGOV40, 40% की छूट आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, एक बड़ा आदेश यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में विद्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के इच्छुक नवीन आवेदकों के पंजीयन और पूर्व से पंजीकृत आवेदकों की जानकारी जो है उसको अपडेट करने के, यानी कि उसको वेरीफाई करने के संबंध में ये आदेश है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का जो पंजीयन है, जानकारी अद्यतन है और सत्यापन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। नवीन निर्देश अनुसार 30/4/2019 तक नवीन आवेदक अपना पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत आवेदक अपनी जानकारी GFMS पोर्टल पर अद्यतन करा सकते हैं। इसी प्रकार अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत आवेदक अपनी जानकारी 15/5/2019 तक अद्यतन करा सकते हैं, तथा संकुल प्राचार्य के द्वारा दिनांक 20/5/2019 तक सत्यापन का कार्य दोस्तों यहां पर हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा अपडेट यहां पर निकल के सामने आ रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि उक्त निर्देशों के परिपालन में यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि 10:30 से 5:30 तक शाला जो है उसको खुला रखना है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्राचार्य स्वयं प्रतिदिन कार्यालय में यहाँ पर उनको अपडेट यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर ये अपडेट, बिग अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। तो दोस्तों, आप ये आदेश डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, प्राचार्य आपको नहीं मिलते हैं, तो ये आदेश वहाँ पर आप उनको बता सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।